चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का वीडियो अगेन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका पेपर होता है उस पेपर में 95+% मार्क्स कैसे स्कोर करा जाए, उसके बारे में मैं आज टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, या इसको बोल सकते हैं लास्ट मूवमेंट ट्रिक्स, क्योंकि बिल्कुल एग्जामिनेशन इंग्लिश का आने ही वाला है, अदर लैंग्वेज का भी, हिंदी वगैरह का भी आने वाला है। तो आज के टिप्स क्लास 10th और 12th के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस टिप्स एंड ट्रिक्स को किसी भी लैंग्वेज के पेपर में आप अडॉप्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और आई एश्योर यू कि आपके अच्छे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, 95-90% ऑफ मार्क्स आराम से आप सिक्योर कर सकते हैं आप इस सिंपल टू इंप्लीमेंट 5 टिप्स को फॉलो करके, राइट। तो टाइम पास करते हैं बंद और सीधा चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है या टिप्स नंबर 1 जो है वो है हमारी अटेम्प्ट सेक्शन लाइक दिस। अच्छा, यहां पर मैं कुछ एक तरीका बताने वाला हूं। देखिए, आप सेक्शन अटेम्प्ट करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। अगर ये आप तरीका फॉलो करते हैं तो आपको सेक्शन अटेम्प्ट करने में बहुत ही इजी रहेगा, आपका पेपर कभी भी नहीं छूटेगा टाइम से पहले होने के पूरे पूरे चांसेस है। प्लस आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, आपको पेपर करने में थोड़ा इजी रहेगा, राइट। आपको करना क्या है, देखिए ए बी सी नियर अबाउट 3 सेक्शन होते हैं आपके किसी भी लैंग्वेज के पेपर में। रीडिंग सेक्शन होता है पहला हमारा, दूसरा राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन होता है, तीसरा होता है लिटरेचर। तो आपको इसी सीक्वेंस में ये सेक्शन अटेम्प्ट करना है। पहला सेक्शन अटेम्प्ट करना है रीडिंग सेक्शन, पहला रीडिंग सेक्शन जहां पर पैसेज वगैरह आरसी वगैरह आपके आते हैं। देखिए, टाइम सामने लिख रखा है, नियर अबाउट आपको लैंग्वेज के पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका पेपर छूट जाता है। Yes? तो यहां पर आपको टाइम लिमिट सेट करनी है पहले से ही कि भाई मेरा ए सेक्शन, रीडिंग सेक्शन पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए जो मैं सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहा हूं। हो रहा है बच्चों, क्लियर? तो यहां पर क्या है, रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना है। अच्छा, आरसी पैसेज वगैरह पढ़ते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि सीधा आरसी देखते ही पैसेज या पैराग्राफ पढ़ने मत लग जाइए। सबसे पहले इसकी एक टिप है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जो वर्ड इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करिए और फिर जाके पैसेज को रीड करिए, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप देखेंगे कि आप जो 10 से 15 मिनट ले रहे थे किसी भी एक आरसी या पैसेज को सॉल्व करने के लिए, अब वो 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद पैसेज या पैराग्राफ पढ़ना है, यस और नो? अच्छा, एक और चीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहां पर आपको एग्जामिनेशन से पहले एटलीस्ट 30-40 पैसेज आपको प्रीवियस ईयर पेपर सैंपल पेपर में से प्रिपेयर करके जाने हैं, ताकि आपकी रीडिंग स्किल स्ट्रांग हो पाए, आपका इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग हो पाए, ताकि आप जल्दी से जो लिखा हुआ उसको ग्रास्प कर सके, समझ सके और अच्छे से लिख सके। यस और नो? पूरा बच्चों क्लियर? बी, राइटिंग सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। राइटिंग सेक्शन में स्पेसिफिकली फॉर्मेट पे ध्यान देना है, फॉर्मेट रट के जाना है। एडवांटेज ये भी है कि भाई हमें पता रहता है, पहले से ही पता रहता है कि भाई क्या चीजें आने वाली है, तो अच्छे से फॉर्मेट वगैरह शुरू की 2-3 लाइनें रट के चले जाइए, जो कि हर लेटर में नोटिस वगैरह आपको सेम ही लिखनी पड़ती है, राइट। डेट वगैरह कहां लिखनी है, हेडिंग वगैरह कहां है, सब हेडिंग कहां है, उनका अच्छे से फॉर्मेट वगैरह देख के जाना है। पूरा बच्चों क्लियर? सबसे पहले रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना है, फिर राइटिंग सेक्शन में आना है और फिर जाके लिटरेचर सेक्शन में आए। लिटरेचर सेक्शन में जब आप आते हैं तो कोशिश करिएगा, क्योंकि लास्ट सेक्शन है, जो लॉन्ग आंसर है वो पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर बाद में कर सकते हैं, राइट। अगर ये पैटर्न आप फॉलो करते, कंपलसरी नहीं है, द चॉइस इज ऑलवेज योर्स, कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बेस्ट आइडिया दे दिया अपना। अगर इस तरह के ऐसे सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका बहुत ही आसानी से पेपर कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपका जो दिमाग है वो भी भाई बहुत तेज चलेगा, क्योंकि आपने राइट सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू योर माइंड आप पूरा पेपर कर रहे हैं, राइट। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लास्ट में लिटरेचर। लिटरेचर में जो लॉन्ग आंसर है वो पहले कर सकते हैं, शॉर्ट बाद में कर सकते हैं। अगर मान के चलिए 5-6 मिनट लास्ट में आपके बचते हैं, पेपर छूटने की कगार है और 1-2 मार्क्स के ही क्वेश्चन बचे, तो अगर इनकेस छूट भी जाता है तो 1-2 मार्क्स ही छूटेगा, लेकिन लॉन्ग आपने अगर पहले ही कर लिया तो लॉन्ग आंसर छूटेंगे नहीं आपके। पूरा बच्चों क्लियर, यस और नो? चलिए, तो अटेम्प्ट, यू कैन अटेम्प्ट द सेक्शन लाइक दिस, पहला रीडिंग, राइटिंग एंड देन द लिटरेचर, द चॉइस इज ऑल योर्स। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, सेकेंड टिप है, यूटिलाइज फर्स्ट 10-15 मिनट्स, राइट। जो आपको शुरू के 10 से 15 मिनट मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए क्वेश्चन पेपर, तो मेक श्योर करना है आपको कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पहला रीडिंग सेक्शन, तो रीडिंग सेक्शन के जितने भी पैसेज हैं
वो आपको रीड करने हैं उस टाइम में, उस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। वो कैसे हो पाएगा इंग्लिश के पेपर में या लैंग्वेज के पेपर में, आप रीडिंग जो सेक्शन है, पैसेज वगैरह जो हैं, उसको रीड करेंगे और आंसर फाइंड आउट करने का भी कोशिश करेंगे। यस और नो? चलिए, प्रेजेंटेशन इज द की। देखिए, और सब्जेक्टों के कंपैरिजन में लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट होते हैं वहां पर एग्जामिनर बोर्ड कॉपी चेकर जरूरत से ज्यादा एम्फेसिस देता है प्रेजेंटेशन को। वो मानता है भाई औरों में ठीक हो ना हो, लैंग्वेज के पेपर में तो बच्चों का प्रेजेंटेशन टू द पॉइंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए और लगना चाहिए कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज है, राइट? तो प्रेजेंटेशन में खासकर ध्यान देना है। दो तीन चीजें बता दूं यहां पर प्रेजेंटेशन का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही गेम चेंजर वीडियो है। आई होप सो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने देख लिया होगा, राइट? सेक्शन नेम, अच्छा लैंग्वेज के पेपर में सेक्शन नेम डालना बहुत जरूरी है, सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? जितना कम इरिटेट करेंगे एग्जामिनर को उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, राइट? सेक्शन वो करना है जैसे मैंने बताया, रीडिंग सेक्शन आप पहले कर सकते हो ताकि आपके जितने भी मेजोरिटी ऑफ द आंसर वो शुरू में ही ठीक हो, वहां से अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। सेक्शन नेम अच्छे से लिखना है आप, राइट? और कोशिश करिए जब भी आप नया सेक्शन स्टार्ट करें तो न्यू पेज से स्टार्ट करें। सेकेंड पॉइंट यही है, न्यू पेज यूज अच्छे से करना है आपको, राइट? अगर 3/4 से ज्यादा, मतलब हाफ से ज्यादा अगर पेज भर जाता है कोई भी लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो न्यू पेज से करिए। कोई भी लेटर वगैरह, नोटिस वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह अगर आप कर रहे हैं, राइट, फॉर्मेट वगैरह जिसमें बन रहा है, तो कोशिश करिए कि न्यू पेज से बने। भाई पेजेस वगैरह या कॉपी वगैरह का भी नहीं भरेगी आप बच्चों की, राइट? तो मेन चीज क्या है, न्यू पेज का अच्छे से इस्तेमाल करना है। आप एक सिंपल सी लाइन खींच के पीटीओ डाल सकते हैं ताकि एग्जामिनर को सिग्नल पहुंच सके कि आप नेक्स्ट पेज पे उसका आंसर कर रखा, राइट? एंड देन द स्टार्टिंग एंड एंड बहुत जरूरी है लैंग्वेज के पेपर में, कि आंसर की जो शुरू की दो तीन लाइनें हैं और लास्ट का जो कंक्लूजन लिख रहे हैं आप, वो स्पेसिफिकली सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा हो, स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो और याद करी हुई चीजें सोच समझ के वो चीजें लिखनी है आपको, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम बोर्ड कॉपी चेकर का या एग्जामिनर का ध्यान शुरू की एक दो लाइन में और लास्ट की एक दो लाइन में जाता है। तो आपको हर आंसर के मेक श्योर करना है जो कि इंपॉर्टेंट या लेंदी आंसर हो उसका शुरू के एक दो लाइने और लास्ट की एक दो लाइने आपको ठीक लिखनी है, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा क्रिएट हो पाएगा। यस और नो? राइट? तो ये है हमारा शुरू के अटेम्प्ट सेक्शन लाइक दिस, यूटिलाइज 10 टू 15 मिनट्स एंड प्रेजेंटेशन इज द की। लास्ट के दो पॉइंट्स देखते हैं, डबल चेक मतलब दो बार, तीन बार, चार बार चेक करके फिर ही आपको ये चीज करनी है। क्या चीज? पहला है फॉर्मेट, राइट? जैसे मैंने बोर्ड कॉपी चेकिंग प्रोसेस जो पिछला वीडियो था, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है बच्चों का, नहीं देखा है तो प्लीज देखिए भाई जाकर, राइट? दो तीन चीजें मैंने बताई थी वहां पर कि जो एग्जामिनर है भाई आपके आंसर पढ़ने नहीं बैठा है, 10 से 15 सेकंड में उसको हर पेज चेक करना होता है या दो पेज चेक करने होते हैं, 2 से 3 मिनट में पूरी कॉपी उसको चेक करनी होती है, राइट? तो इतना टाइम नहीं है कि हर एक चीज पढ़ पढ़ के चेक करे, तो वो गलतियां ढूंढता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। तो गलतियां किस किस में ढूंढ सकता है? वो फॉर्मेट में। तो मेक श्योर करना है फॉर्मेट रट के जाए, अच्छे से बनाए, डेट वगैरह, हेडिंग वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीजों में गलती ना करें। जैसे वो नोटिस हो, लेटर हो, फॉर्मल इनफॉर्मल, जो भी आपकी चीज है, फॉर्मेट में गलती नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज योर स्पेलिंग में मिस्टेक निकालेंगे वो, राइट? सबसे पहले हेडिंग में मिस्टेक, सब हेडिंग में मिस्टेक, तो ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपको नहीं करनी है। फॉर्मेट और स्पेलिंग मिस्टेक समझा लीजिए या संभाल लीजिए, 95+ आराम से आप स्कोर कर लेंगे। यस और नो? डबल चेक योर फॉर्मेट एज वेल एज योर स्पेलिंग्स, राइट? आगे है द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, फॉलो वर्ड लिमिट स्ट्रिक्टली एनी हाउ। भाई एनी हाउ वर्ड लिमिट फॉलो करनी है, बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे टीचर्स आपको पहले ही बता रखा होगी भाई वर्ड लिमिट फॉलो करनी जरूरी है। लैंग्वेज के पेपर में स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट फॉलो करिए, अच्छा इससे बेनिफिट आपका ही होने वाला है, राइट? 150 से 200 की वर्ड लिमिट में कोई भी आंसर आपको लिखना है तो 150 ही लिखिए, उस एक्स्ट्रा 50 लिखने के आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। प्लस दो तीन चीजें गलत हो जाएगी आपके एंड से, एक तो आप 150 के बाद कुछ मन से लिखेंगे उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसकी वजह से जो आपके पहले 150 वर्ड्स में जो ठीक लिखा है उसका इंप्रेशन कम हो सकता है, राइट? तो मेन चीज क्या है यहां पर, स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट को फॉलो करिए, 150 से
200 के बीच में वर्ड लिखने हैं तो ना 170, 175, 200 नहीं, 150 पे खत्म, राइट। और आई गारंटी यू भाई, अगर 150 वर्ड्स ठीक लिखे होंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको 200 तक उसको खींचने की जरूरत नहीं है। एक तो आपका टाइम बचेगा जो कि लैंग्वेज के पेपर में बहुत जरूरी है बचाना, राइट। तो मैंने पहले बता रखा रीडिंग सेक्शन 50 मिनट्स के नियर अबाउट, 50-55 मिनट्स में आप सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। राइटिंग में 60 मिनट्स इसलिए क्योंकि वहां पर फॉर्मेट याद करने में या सोच के लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट, क्योंकि यहां पर आपने मेमोराइज नहीं करा होता है चीजें, आपको इंप्रॉम्प्टू मिलती है तो आपको सोच समझ के लिखना पड़ता है। तो फिर भी आपके 10 से 15 मिनट बच जाएंगे ये सेक्शन को आप फॉलो करेंगे, टाइम लिमिट को फॉलो करेंगे। और उस लास्ट के जो 15 मिनट्स या 10 मिनट्स जो बच रहे हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक देख लीजिए, फॉर्मेट वगैरह देख लीजिए, कोई क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिया है उसको अटेम्प्ट करिए, राइट। तो आप इस सीक्वेंस में करेंगे तो आपका इजीली पेपर कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, और वर्ड लिमिट आपको फॉलो करनी है, राइट। तो ये थे इजी टू इंप्लीमेंट इंग्लिश के, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के या किसी भी लैंग्वेज पेपर के 5 टिप्स जो कि आपको एनी हाउ बच्चा लोगों फॉलो करने हैं, तभी जाके या तब आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज के पेपर में। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा, शेयर करना मत भूलिएगा हर बार की तरह अपने फ्रेंड के साथ। मुझे पता है आपने अभी तक किसी के भी वीडियो को शेयर नहीं करा है, तो क्यों ना मैं पहला ऐसा बंदा बन जाऊं जिसका वीडियो शेयर करें। प्लीज एक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए क्योंकि उनको भी इन चीज की जानने की या ये चीज जानने की जरूरत है। तो आई होप सो आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मुझे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं, कैरियर रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कैरियर काउंसलिंग चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।